अकॉर्डिंग चल ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या किया बताओ, क्या किया अभी तक? हाँ तो क्या क्या किया? हाँ 2.112 हो गया। DPQR, ये चार लेटर याद हो जाने चाहिए। DPDF के लिए, PCDF के लिए, Q इनवर्स CDF के लिए, और R रैंडम सिमुलेशन जनरेट करने के लिए। ठीक है, और क्या क्या फंक्शन पढ़े हैं? सेट डॉट सीट पढ़ा है, जब भी आर वाला या सैंपल वाला कुछ फंक्शन हो उसके पहले, सो दैट आर आंसर्स आर द सेम। उसमें ध्यान रखना है सेट डॉट सीट के थिक बार्ट अपना रन करना। ठीक है, ग्राफिकल फंक्शंस लर्न किए हैं, प्लॉट, हिस्ट, बार प्लॉट, लाइंस, ए बी लाइंस। हिस्ट हिस्ट फंक्शन के लिए ब्रेक्स आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, मिनिमम -0.5, मैक्सिमम +0.5, डिस्क्रीट के लिए, है ना? कंटिन्यूअस में हमने नहीं करेंगे वो। ठीक है, कल किया था कि नहीं हिस्ट इसके लिए? कल इसके लिए हिस्ट किया नहीं था, बट याद रखना हिस्ट के में वो ब्रेक्स यूज नहीं करेंगे कंटिन्यूअस के लिए। ठीक है, और क्या क्या किया? प्लॉट, जब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हो, स्टेप्ड बनाना हो, यहाँ पे अभी कर्व ग्राफ के लिए भी यूज किया था, है ना? सीक्वेंस फंक्शन यूज किया यहाँ पे टू गेट दैट ग्रैनुलर एक्स वाला रेंज। ठीक है, व्हाट एल्स? लाइंस ओवर प्लॉट करने के लिए, एक्स एंड वाई का जब रेंज हो, ए बी लाइन स्ट्रेट लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, राइट? सॉरी, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, इसमें एल टी वाई, एल डब्ल्यू डी, सी ओ एल, ये सब याद है? एल डब्ल्यू डी लाइन विथ के लिए, एल टी वाई डॉटेड डैश्ड के लिए, और कलर के लिए, राइट? हमने लेज नेम्स अपने बार प्लॉट में यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लेबल्स भी नहीं आते हैं वो उसके लिए। ठीक है ना, और क्या सीखा है? फॉर लूप सीखा है। फॉर लूप का फंडा सबको क्लियर है? व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ सिमिलर लाइन ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, वी यूज द फॉर लूप, राइट? और क्या सीखा है अभी तक कुछ और? हाँ, लेजेंड सीखा है हमने कल। लेजेंड सीखा था कि कैसे लेजेंड अपने बनाते हैं। ठीक है, और क्या हमने, सॉरी, लेंथ किया है। हाँ, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए लेंथ यूज किया है, पार एमएफरो यूज किया है ग्रिड 2x2 करने के लिए, राइट? क्वांटाइल फंक्शन सीखा है, अगर अपने को सैंपल का मीडियन या इंटरक्वार्टाइल रेंज या कोई भी परसेंटाइल निकालना है तो अपने मीडियन फंक्शन यूज करते हैं। मीन, एसडी, वार, ये सब फंक्शन तो अपने को पहले से आता भी था। ठीक है, मेन में अपने अभी तक ये सब किया हमने। ठीक है, आज इसी नॉलेज पे विल एक्सपैंड, राइट? विल ट्राई टू यूज ऑल ऑफ दिस फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, आप लोगों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस ऑन द कॉल। ठीक है, आई विल जस्ट सेट अप द स्क्रीन फॉर द फिजिकल क्लास, एक मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, तब तक एक्सरसाइज ओपन करो अपने एंड पे, क्या लिखा है वहां पे देखते हैं। एक्सरसाइज 2.13 में, अच्छा अभी तक कंटिन्यूअस के लिए क्या क्या किया था? पीडीएफ किया था और सीडीएफ किया था, तो अब क्या आएगा? इनवर्स सीडीएफ आएगा, डीपीक्यू आता है। क्या है लिखा, क्या लिखा है? वही क्लेम्स टू अ जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 24 आवर कॉल सेंटर अकर्स एट अ रेट ऑफ 3 पर आवर, अकॉर्डिंगली द वेटिंग टाइम बिटवीन कॉल्स इज मॉडल्ड यूजिंग एन एक्सपोनेंशियल विद लैम्डा इक्वल्स 3। तो सेम केस है, अपना एक रैंडम वेरिएबल है व्हिच इज वेटिंग टाइम बिटवीन टू कॉल्स, इट इज मॉडल इज व्हाट? एक्सपोनेंशियल 3। ठीक है, क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स वेटेड एक्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, कौन सा फंक्शन यूज करोगे बताओ? क्यू एक्स, राइट? सो एक्सरसाइज 2.13 पार्ट 1, आई विल स्ट्रेट अवे यूज क्यू एक्स। या I'll first show lambda equals what? Lambda equals 3. I'll just clear out everything. Just give me a moment. चलो, lambda equals 3 कर लिया। अरे यार ये दिक्कत है। ठीक है, जस्ट इग्नोर दीज एरर्स, दीज एरर्स आर रैंडम, आई कांट रियली हेल्प। ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे बताओ? क्यू एक्स ऑफ कॉमा एल, या बिकॉज दैट्स वेयर माई लैमडा इज टोल्ड, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी है तो लोअर टेल ट्रू ही रहेगा, विच इज माई डिफॉल्ट। ठीक है, so that is part A, yeah.
व्हाट्स पार्ट बी? पार्ट बी इज 0.95, राइट? नथिंग चेंजेस, जस्ट दैट आई वॉन्ट टू फाइंड दिस प्रॉबिलिटी एट 0.95 नाउ. तो 0.95, या नेक्स्ट पेयर ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स 0.3, क्या करोगे बताओ? और यहाँ पे 0.95 की जगह 0.3 लिख के लोअर टेल फॉल्स. या मेक सेंस? एक चीज देखो, व्हाट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन? इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन? बीच में इक्वल टू का साइन है ना? तो यहाँ पे ग्रेटर देन रहता था, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता था, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू रहता था, और यहाँ रहता था कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ एक्स सच दैट दिस. क्यों? हमने पढ़ा था ना वहां पे, क्योंकि यहाँ पे CDF जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, रेंजेस में प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो वो रेंज निकालना जहाँ पे CDF एक वैल्यू तक पहुंच गया वो पॉसिबल है, एग्जैक्ट नंबर निकालना. ठीक है, वहां बट मिनिमम नंबर ऑफ एक्स निकालना पड़ता था, याद है ना? ऑल गुड. तो इसलिए यहाँ पे बीच में इक्वल वाला साइन है. ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? ऑब्टेन द मीडियन वेटिंग टाइम. मीडियन वेटिंग टाइम पे व्हाट इज द लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी? 0.5, राइट? ऑब्टेन द मीडियन वेटिंग टाइम. मीडियन पे क्यू एक्स ऑफ 0.5, L होगा, राइट? मेक सेंस? पार्ट थ्री में इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या करोगे बताओ, आप लोग बताओ. क्यू एक्स ऑफ, हाँ, मीडियन वाले में, अच्छा मीडियन वाले में क्या मैं कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू 0.5, बताओ. जो भी मीडियन की वैल्यू है उसका लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.5 होगा. अब ये समझ लो, अगर ये अगर आपको निकालने दिया गया होता तो आप कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? क्वांटाइल या क्यू एक्स? क्वांटाइल फॉर सैंपल्स एंड क्यू एक्स फॉर द थियोरेटिकल. या तो वही क्यू एक्स 0.5, L करके निकाल लिया हमने. ठीक है, सबके आंसर्स मैच कर रहे हैं ना? देख लो. या लास्ट पार्ट क्या है? इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब Q3 माइनस Q1, राइट? विच इज व्हाट? 75th percentile माइनस 25th percentile. या ठीक है, कैसे करोगे? वापस क्यू एक्स भी यूज कर लेंगे, है ना? क्यू एक्स ऑफ दिस माइनस क्यू एक्स ऑफ समथिंग. सो पहले क्या आएगा? 0.75, फिर बाद में आएगा 0.25, ऐसा कुछ आएगा 0.366. देख लो. शिफ्ट एंड, ठीक है, अगर एंड में हो तो शिफ्ट होम. ओके, ऑल गुड. एनी क्वेश्चंस? सबका मैच हो रहा है आंसर्स? ठीक है, ये एक्सरसाइज इतना ही था. नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 12.14. पीपल ऑन द कॉल, ऑल गुड? कोई भी दिक्कत बताओ. ये सारी चीजें हमने पहले कर चुकी है, तो आई एम रशिंग थ्रू देम अ बिट. ठीक है, देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट एज सच. ठीक है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू फील कि इट्स गेटिंग टू लाइक टू क्विक इंटरप्ट, बोलो, आराम से करिए, मैं आराम से करूंगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 2.14. क्लेम्स टू अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अगेन अकर सेम केस. एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल 3, राइट? एक्स इज द वेटिंग टाइम बिटवीन कॉल्स इन आवर्स. क्या कह रहा है? सिमुलेट 500 वेटिंग टाइम यूजिंग अ सीड ऑफ 37. व्हाट फंक्शन डू वी यूज नाउ? सेट सीड एंड आर एक्स, करेक्ट? तो सो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 12.14 पार्ट 1. पहले सेट डॉट सीड ऑफ व्हाट 37, या एंड देन S1 में आई विल स्टोर RX ऑफ 500, L. या L इज ऑलरेडी स्टोर्ड, बताओ. सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार सम ऑफ S1 करके देख लो, हम सबके आंसर सेम आ रहे हैं ना? एक काम करो यार, आई विल जस्ट रीओपन माई आर, आई एम गेटिंग टू इरिटेटेड बाई दीज. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या भाई आ रहा था. आई विल ब्रिंग अप माई आर स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट.
यहाँ तक आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट पार्ट? इज अबाउट ड्रॉ लेबल हिस्टोग्राम ऑफ डेंसिटीज। देखो अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ना। ड्रॉ लेबल हिस्टोग्राम ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द 500 सिमुलेटेड वेटिंग टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? अपने हाँ पीडीएफ का हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाना है लेकिन पीडीएफ का, है ना? अभी तक जब अपने हिस्टोग्राम बनाते थे तो वाई एक्सिस पे क्या रहता था? प्रोबेबिलिटी नहीं रहता था, फ्रीक्वेंसीज रहते थे, है ना? कितनी बार आया है, तो उन फ्रीक्वेंसीज को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का एक आर्ग्यूमेंट होता है हिस्टोग्राम फंक्शन में, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन में कहे ड्रॉ लेबल्ड हिस्टोग्राम ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द वेटिंग टाइम्स, तो अपने उस आर्ग्यूमेंट को एक्टिवेट करके अपने वाई एक्सिस में डेंसिटी ले आएंगे। अगर अपने नहीं करेंगे उसको एक्टिवेट तो क्या आएगा वाई एक्सिस में? फ्रीक्वेंसी, है ना? बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी आएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो आएगा। करके देख लेते हैं। जैसे अगर मैं स्ट्रेट अवे हिस्ट ऑफ S1 कर दूं, ठीक है, तो देखो वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी लिखा है ना? बट उन्हें उन्होंने क्या कहा है? डेंसिटी करो। तो एक यहाँ पे आर्गुमेंट होता है कॉल्ड प्रोब आर्गुमेंट, ठीक है? प्रोब और प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसको इक्वल्स ट्रू कर दूंगा तो देखो अब वाई एक्सिस पे क्या लेबल हो गया? डेंसिटी, है ना? पहले क्या था? पहले जो नंबर्स थे वो कहाँ तक जा रहे थे? 200 तक, क्योंकि डेंसिटी बड़ी, मतलब एक एक नंबर 200 बार आ रहा है तो जा रहा है उस रेंज में, है ना? अब देखो प्रॉप टू में उतना ज्यादा नहीं है, जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा सिमुलेटेड वैल्यू वो है, जो नंबर्स हैं अपने सैंपल के नंबर्स, ठीक है? तो जीरो, अच्छा पहले केवल ये समझते हैं हिस्ट ऑफ S1, ठीक है? इसमें क्या है, वाई लैब करोगे तो केवल नाम चेंज होगा, नंबर्स चेंज नहीं होंगे ना? वो थ्योरेटिकल होगा, अपने को क्या चाहिए? सिमुलेटेड, है ना? अच्छा अब पहले ये केवल हिस्ट समझते हैं, ठीक है? ये क्या है, ये वाला रेंज क्या होगा? ये 0 to 0.2 होगा मेरे ख्याल से, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? ये क्या कह रहा है, अपने सैंपल में 0 से लेके 0.2 के बीच में कितने नंबर्स हैं? कुछ 210 नंबर है, ठीक है? 0.2 से 0.4 के बीच में कुछ 125 130 नंबर है, ठीक है? 0.4 से 0.6 के बीच में कुछ 75 नंबर है, ठीक है? बट अब उसने कुछ नहीं किया, शेप सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, बट वाई एक्सिस पे जो फ्रीक्वेंसीज है वो रीस्केल होके डेंसिटी के फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ पे देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ऑफ डूइंग दैट, ठीक है? यूजुअली क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज व्हाट सम फ्रीक्वेंसी इन दैट रेंज डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, बट हियर इट इज नॉट दैट, वो होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? यहाँ पे देखो योर वैल्यूज एक्सीडिंग 2, है ना? अगर वो होता तो 2 एक्सीड करता, हमेशा 1 के अंदर ही रहता ना। सो इट इज नॉट दैट हियर। बैकग्राउंड में इट इज मिमिकिंग डेंसिटीज। डेंसिटीज याद करो, डेंसिटी मतलब डेंसिटी फंक्शन, कल जो हम समझ रहे थे ना लैम्डा ई टू डी पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो एक तरीके से सिमुलेटेड डेंसिटी आ गया अपना, ठीक है? क्या कर रहा है एग्जैक्टली बिहाइंड द कर्टन्स वी डोंट नीड टू नो, ठीक है? बट इट इज डूइंग समथिंग टू कन्वर्ट द सिमुलेटेड फ्रीक्वेंसीज इनटू सिमुलेटेड डेंसिटीज, ओके? इसमें ब्रेक्स नहीं डालते, तो कंटिन्यूअस में अपने ब्रेक्स नहीं डालते हैं, ठीक है? केवल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस में डालते हैं, ओके? ऑल गुड टिल हियर? तो ये वाला अपने को नहीं करना है, केवल हिस्ट ऑफ S1 प्रॉब इक्वल्स टू लेबल करना है। एक्स लैब पे क्या है, वेटिंग टाइम इन आवर्स, राइट? वेटिंग टाइम इन आवर्स। वाई लैब तो ठीक है, डेंसिटी है, एंड मेन क्या है? मेन इज व्हाट? मेन इज हिस्टोग्राम ऑफ डेंसिटीज ऑफ एक्सपोनेंशियल सिमुलेशंस, ठीक है? आप लोगों को स्क्रीन की साइज ठीक है ना? एवरी थिंग इज विजिबल? कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बताना, आई विल जूम इन अ बिट मोर। ऑल गुड, नेक्स्ट पार्ट देखें। इसी का पार्ट बी भी है। क्या कह रहा है, इसी हिस्टोग्राम पे सुपर इम्पोज अ ग्राफ ऑफ द एक्चुअल पीडीएफ ऑफ द वेटिंग टाइम्स।
इसी पे सुपर इम्पोज करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे? लाइंस। क्या सुपर इम्पोज करना है? एक्चुअल पीडीएफ। पीडीएफ के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? थ्योरेटिकल के लिए डी डी एक्स यूज करेंगे। पहले तो एक्स की रेंज डिफाइन कर लो, ठीक है? कहाँ से एक्स की रेंज शुरू होगी? देखो ग्राफ से समझ में आ जाएगा। 0 to 2, राइट? और एक लाइक ब्रेक बाय ले लो, 0.01 ले लेते हैं, 201 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है? तो ये तरीका है अब कंटिन्यूअस के लिए पीडीएफ प्लॉट करने का। अपने जब डिस्क्रीट के लिए पीडीएफ प्लॉट करते थे, अपने बार प्लॉट फंक्शन यूज कर लेते थे, है ना? बट फॉर अ कंटिन्यूअस इट इज नॉट जस्ट अ डिस्क्रीट पॉइंट्स, राइट? इट इज ऑल्सो ऑन द इनफाइनाइटली डेसिमल पॉइंट्स बिटवीन टू डिस्क्रीट नंबर्स। तो अपने सीक्वेंस फंक्शन की मदद से उन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है? और फिर अपने लाइन फंक्शन या प्लॉट फंक्शन की मदद से, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी हैव टू ओवर प्लॉट और नॉट, वी प्लॉट द पीडीएफ, ठीक है? सो लाइन्स ऑफ एक्स कॉमा डी एक्स ऑफ एक्स कॉमा एल, या ठीक है, कॉमा कलर इक्वल्स समथिंग सो दैट सेपरेटेबल। देखो ऐसा आ रहा है, देख लीजिए पैटर्न सेम आ रहा है ना। एक और चीज, अगर आप पाइल आप वहां कर देते तो ये जो ओवर प्लॉट है वो आपको दिखता ही नहीं, क्योंकि उसका रेंज तो कहाँ से कहाँ तक है? ऑलमोस्ट 2 से लेके 0 से 2, है ना पीडीएफ का, वो 0 से 200 था, तो उसमें दिखता ही नहीं ना, ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस से चिपका हुआ रहता। तो अपने को जब भी डेंसिटीज का है प्रॉप ट्रू यूज करना है, ठीक है? ऑल गुड, एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे क्या कहा है। यूजर सिमुलेशंस फ्रॉम पार्ट 1 टू ऑब्टेन द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम एंड कंपेयर योर रिजल्ट्स टू 2.1 का पार्ट 1, 2.12 का पार्ट 1, मोर देन हाफ एन आवर, लेस देन 3 आवर्स, बिटवीन 90 एंड 150 मिनट्स। ये हमने कल थियोरेटिकली कैलकुलेट किया था, यही अब कह रहे हैं सिमुलेटेड कैलकुलेट करो और दोनों को कंपेयर करो, ठीक है? कौन सा फंक्शन यूज करोगे इसको सिमुलेटेड प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए? से मोर देन हाफ एन आवर के लिए लेंथ फंक्शन यूज करेंगे, है ना? क्या करोगे आप? लेंथ ऑफ S1, वेयर S1 इज वॉट ग्रेटर देन 0.5, या डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ S1, आ गया अपना 25% प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ये काम करते हैं, थ्योरेटिकल वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। थ्योरेटिकल इसी के लिए करेंगे, ग्रेटर देन 0.5 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पी पी क्यू तो जब अपने को पता है, हाँ, ठीक है, तो पी एक्स ऑफ क्या होगा? 0.5 कॉमा एल कॉमा लोअर टेल फॉल्स, क्योंकि अपने को ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ना? तो ऐसा आ रहा है, क्या है, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने, है ना? यस और नो? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट रुको, है ना? थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज बट स्टिल वी आर ओवर एस्टिमेटिंग अ बिट। व्हाट इज नेक्स्ट? लेस देन 3 आवर्स, सो आई जस्ट कॉपी दिस डाउन, आई जस्ट चेंज द इनइक्वालिटी टू व्हाट? लेस देन 3, या देखो ये आ रहा है, 1 आ रहा है, सबका 1 आ रहा है, वन आ रहा है, चलो बढ़िया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे देखो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट पे दे सेइंग बिटवीन 90 एंड 150, अच्छा पहले इसका वो कर लेते हैं, पी एक्स ऑफ 3 कॉमा एल कर लेते हैं, है ना? 3 कॉमा एल एंड लोअर टेल यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट? सो दिस इज योर लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। देखो ये भी ऑलमोस्ट 1 ही है, 0.9987666, सो इट्स ऑलमोस्ट सेम, ठीक है? लास्ट अपना क्या है? बिटवीन 90 एंड 150 मिनट्स। बोलो इसको कैसे करोगे? यहाँ पे एंड फंक्शन यूज करेंगे, है ना? जब दो कंडीशंस लगाने हैं, क्या कंडीशन लगाना है? ग्रेटर देन 1.5 एंड
एंड के लिए कौन सा सिंबल होता है? 7 के ऊपर वाला है ना, S1 लेस देन 2.5। यस अच्छा, समझने में दिक्कत होता है कि समझ पाते हो और समझने में दिक्कत होता है? ठीक है, पहले तो इसका यूज पर्पस समझते हैं कि कहाँ यूज होता है। ठीक है, ये यूज होता है जब आपको एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज निकालनी होती है। मतलब आपको सैंपल दिया हुआ है, उस सैंपल के लिए कोई प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, वैसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, क्यों? बाय द लेंथ फंक्शन। सो द लेंथ फंक्शन क्या होता है? इन द सिंपलेस्ट वे, व्हाट डज द लेंथ फंक्शन डू? फॉर एग्जांपल, आई हैव अ वेक्टर, ठीक है, इट हैज व्हाट एलिमेंट्स फ्रॉम से सीक्वेंस है उसमें, 0 से लेके 500 तक इन स्टेप्स ऑफ 3। ठीक है, अब व्हाट इज वन वे इन व्हिच आई कैन फाइंड आउट हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन v1? सो लेंथ ऑफ v1। ठीक है, ये है लेंथ का काम। ठीक है, इन द सिंपलेस्ट वे दैट इज व्हाट लेंथ फंक्शन डूज डज कि उसमें निकाल देते हैं कि उस वेक्टर में आपके कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, बट अपने केस में वो क्यों यूज आता है, अब ये देखते हैं। ठीक है, अब अपने को जब एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में ग्रेटर देन 0.5 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, या फिर इस केस को छोड़ दो, इसी केस में देखो, मुझे निकालना है v1 में कितने नंबर 200 से ज्यादा है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, v1 के वो सारे नंबर्स निकालूंगा जो v1 200 से ज्यादा है। तो ये इंडेक्सिंग करूंगा v1, वेर v1 इज ग्रेटर देन 200, सो आई विल गेट दीज नंबर्स व्हिच इज ग्रेटर देन 200, राइट? अब अगर मुझे इसका काउंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, लेंथ फंक्शन। सो लेंथ ऑफ दिस, राइट, देखो बता दिया उसने 100 नंबर ऐसे हैं। अब मुझे प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाँ, डिवाइड बाय टोटल, तो डिवाइड बाय लेंथ ऑफ v1, राइट? तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम फंडा यहाँ पे है। ठीक है, आपको पता है s1 में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, लेंथ ऑफ s1, आपको क्या निकालना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.5। ठीक है, तो आपने पहले उतने एलिमेंट्स निकाले कि s1 में वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो ग्रेटर देन 0.5 है, तो इंडेक्स आउट किया, उसका लेंथ निकाल लिया, उसका काउंट लिया, और फिर डिवाइड बाय टोटल काउंट। समझ में आया? कोई भी दिक्कत बताओ। सही है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस गाइस? कर लो अच्छे से। देखो लास्ट वाले की प्रोबेबिलिटी आ रही थी 0.012, अपने px से कैसे करेंगे, px ऑफ परफेक्ट, दिस इज ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अगेन अपने, बट इन द सेम रेंज। या ऑल गुड? एनी क्वेश्चंस गाइस, टेल मी। 30 थोड़ा कम है इस केस में। ठीक है, कर लो यहां तक, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। क्या लिखा है, कैलकुलेट दी सिमुलेटेड एंड एक्चुअल मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इंटरक्वार्टाइल रेंज 95th percentile। तो चारों चीज सिमुलेटेड एंड एक्चुअल अपने को निकालनी है। ठीक है, एक एक करके निकाल लेते हैं। क्या है पार्ट 4? सो व्हाट इज इट मीन? सबसे पहले मीन ऑफ s1 करेंगे, सिमुलेटेड मीन आ जाएगा, है ना? एक्सपोनेंशियल का मीन क्या होता है, 1 बाय लैम्डा। परफेक्ट, 1 बाय लैम्डा, राइट? सो वी आर ओवर एस्टिमेटिंग द मीन बाय अ बिट। ठीक है, मीन थोड़ा ज्यादा है ना, फिर क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन, SD यूज करोगे, SD ऑफ s1, स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होया, तो 1 बाय लैम्डा हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय लैम्डा स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा हो गया, तो 1 बाय लैम्डा। ठीक है, अगेन थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्या कहोगे, स्प्रेड ऑफ द सैंपल इज स्लाइटली मोर देन द स्प्रेड ऑफ आर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है ना, मीन और एसडी सबको क्लियर है, सबके यही वैल्यूज आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं ये वैल्यूज। चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज अगर सैंपल का निकालना होता है, कौन सा फंक्शन यूज करते हो, क्वांटाइल, क्वांटाइल ऑफ सैंपल कॉमा 0.75, उसे 75th percentile निकलता है।
माइनस क्वांटाइल ऑफ सैंपल कॉमा 0.25, उससे 25th परसेंटाइल निकल रहा है, दोनों का माइनस हो गया तो इंटरक्वार्टाइल रेंज निकल गया। ठीक है, तो क्वांटाइल ऑफ S1 कॉमा 0.75 माइनस क्वांटाइल ऑफ दिस कॉमा 0.25, आ गया अपना इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑलमोस्ट 0.4 है। ठीक है, यही चीज ऊपर अपने क्यू एक्स से किए थे, मैं वापस अगर कर लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.75 कॉमा एल माइनस 0.25 कॉमा एल, या ठीक है आगे बढ़े, लास्ट पार्ट देखते हैं। 95th परसेंटाइल, 95th परसेंटाइल के लिए सैंपल के लिए क्या यूज करोगे? क्वांटाइल, है ना, बताओ क्वांटाइल यूज करेंगे ना। क्वांटाइल ऑफ S1 कॉमा 0.95, 95th परसेंटाइल आ गया, और उसके लिए क्यू एक्स यूज करेंगे या सो क्वांटाइल इज ऑल्सो स्लाइटली हायर, 95th परसेंटाइल इज ऑल्सो स्लाइटली हायर। देखो परसेंटेज डिफरेंस निकालो, देखो क्या है, इस केस में 7-8% के अंदर है ना, तो अब लिख सकते हो कि स्लाइटली हायर है। अगर अगर बोलो, अगर बहुत क्लोज बोलना है तो जैसे ऊपर था ना 0.998 और 1, तो दैट वाज वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि स्लाइटली हायर वगैरह। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो कि क्या लिखना है तो आप कंफ्यूजन भी लिखो अपना। ठीक है, अ गुड थिंग अबाउट IFO एग्जाम्स इज दैट यू कैन राइट बोथ वेज एज वेल, आपको जो जो लग रहा है वो लिखो। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट इन द सेम रेंज बट वन इज हायर देन दी अदर, ये भी तो लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए लास्ट में क्या कह रहे हैं? देखो लास्ट वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द मीडियन ऑफ द फर्स्ट आई सिमुलेशन फ्रॉम पार्ट वन अगेंस्ट आई, क्या यूज करोगे? वॉट टेक्निक विल बी यूज फॉर लूप? आई की वैल्यूज क्या होगी यहाँ पे? 500 थे तो 500 होंगे, है ना। फॉर आई एन 1:500, डमी वेक्टर ऑफ आई इज इक्वल टू मीडियन ऑफ S1 1:I, है ना। मैं S1 के फर्स्ट आई एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करूंगा, उसका मीडियन लूंगा, उसको अपने डमी वेक्टर के आई एलिमेंट में सेव कर दूंगा। बताओ सबको समझ में आया ये बात? अब लूप सबको समझ में आ रहा है? आर यू ऑल इंट्यूटिवली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट लूप्स आर? तो पहले मैं रिपीट 0,500 कर दूंगा जिससे एक डमी वेक्टर रेडी हो जाए। ठीक है, फिर मैं फॉर लूप क्रिएट करूंगा फॉर आई इन 1:500 बिकॉज आई वॉन्ट आई टू गो इन द रेंज ऑफ 1, 2, 3, 4 गोइंग अप टिल 500, है ना। मुझे हर लूप में क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन, राइट, सैंपल मीडियन कैलकुलेट करना है। किस चीज का? S1 के फर्स्ट आई एलिमेंट्स का। तो सबसे पहले मैं S1 के फर्स्ट आई एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका मीडियन कैलकुलेट कर लिया। कहाँ स्टोर करना है? अपना जो ऊपर बनाया है उसके मीडियन ऑफ S1 के आईथ एलिमेंट में। ठीक है, क्लियर है ये लूप सबको? देखो हर जगह यही लगाओगे, ठीक है, जब इक्वल टू लिखना हो तब यही लगाओगे, जब लॉजिकल कंडीशन चेक करना हो कि ये इससे इक्वल है कि नहीं तब इक्वल टू लगाओगे। हाँ, ऊपर भी हर जगह देखो आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन यूज द इक्वल टू साइन एज वेल, सेम काम करता है। ठीक है, इट इज एग्जैक्टली द सेम, इट इज जस्ट दैट कि हम कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, तो स्टिक टू यूजिंग वन थिंग, इधर द इक्वल और दिस, द इंस्टीट्यूट यूजेस दिस सो वी आर यूजिंग दिस। ठीक है, और आर में डेवलपर्स की बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि इक्वल टू की जगह ये वाला सिंबल यूज करें। ठीक है, चलो लेट्स रन दिस फॉर लूप थ्रू। या दैट्स दैट इज नॉट अ फाइनल आंसर, राइट? व्हाट इज द फाइनल आंसर? प्लॉटिंग दिस आउट, या आई ऑन द एक्स एक्सिस एंड दिस ऑन द वाई एक्सिस, राइट? क्या कहा है क्वेश्चन में? देखो मीडियन ऑफ फर्स्ट आई सिमुलेशंस अगेंस्ट आई, राइट, तो वाई अगेंस्ट एक्स, राइट, सो प्लॉट ऑफ
क्या होगा, आई की वैल्यूज क्या है, 1:500 या एस टू मीडियन S1, राइट। देखो ऐसा प्लॉट आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, आई आपने प्लॉट ऑफ आई कॉमा वो किया है क्या, किस में आ रहा है, फॉर लूप में आ रहा है कि प्लॉट में आ रहा है, फॉर लूप में आ रहा है। तो एक काम करो, फॉर लूप के पहले आई इक्वल्स 1 स्टोर करो और फिर रन कर दो, 1 स्टोर कर दो और फिर रन करो। कभी कभी मैं बताता हूँ, अच्छा पहले आप रन करके देखो, रन हो रहा है ना, हो गया। देखो ना, तो दिक्कत समझो इसकी, अब वो आई लूपिंग वेरिएबल तो है बट उसको एनवायरनमेंट में मिल नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए वो इट्स अ सिली एरर बट इट्स स्टिल कंप्लेंट्स। तो अगर कंप्लेन करे ऐसा, पहले आई को कुछ भी रैंडम नंबर असाइन कर दो और फिर वो रन कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स लैब इज नंबर ऑफ सिमुलेशन, दैट इज वॉट आई इज, या एंड वॉट इज वाई, मीडियन ऑफ फर्स्ट आई सिमुलेशंस। वॉट इज मेन मीडियन ऑफ फर्स्ट आई सिमुलेशंस वर्सेस एक्चुअल मीडियन, राइट। अपने एक्चुअल वैल्यू इस पे ओवर प्लॉट करने वाले हैं ना, अभी कौन सा फंक्शन से ओवर प्लॉट करेंगे, सोचो। तो अपने ए बी क्यों क्यों ए बी लाइन है नॉट लाइन, क्योंकि अपने को स्ट्रेट लाइन बनाना है, अपने को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एड अ हॉरिजॉन्टल लाइन शोइंग द ट्रू मीडियन वेटिंग टाइम। अच्छा ट्रू मीडियन कहाँ से आएगा, व्हाट इज द थ्योरेटिकल मीडियन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से फंक्शन आर में कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू एक्स करके कर सकते हो ना, है ना, क्यू एक्स 0.5, L करके ट्रू मीडियन निकाल सकते हैं। वो अपना क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल का वाया आर्ग्यूमेंट, राइट। सो क्यू ए बी लाइन में डायरेक्ट, देखो ए बी लाइन ही कर रहा हूँ, ए बी लाइन में हॉरिजॉन्टल बनाने, तो एच इक्वल्स, ठीक है, क्या है, क्यू एक्स ऑफ 0.5, L, ठीक है, 50th बनाना है, और क्या क्या, कलर में थोड़ा रेड कर देता हूँ, LWD2 कर देते हैं, LTYB2 कर देते हैं, टू मेक द लाइन स्लाइटली मोर फैंसी, राइट। देख लो, समझ आया, बताओ। अब फॉर लूप में किसी को कोई भी दिक्कत है, लूप से डर रहे हैं आप, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना लूप में, अच्छा इनका पर्पस क्या है ये करवाने का, इनका पर्पस क्या है ये ग्राफ बनवाने का, इससे कमेंट आता तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कमेंट लिख नहीं रखा है बट कहते क्या अगर लिख रखा होता तो, अच्छा छोड़ एक बार छोड़ दो ये ग्राफ, भूल जाओ। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सिमुलेशंस इंक्रीज करोगे, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो, हाँ जो आपका सैंपल का मीडियन है वो वैसे वैसे एक्चुअल मीडियन के पास आते जाएगा, योर सैंपल स्टेटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स, वॉट एवर इट इज, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, विल गेट क्लोजर टू द पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक, या यस और नो, या तो वही चीज यहाँ पे दिख रही है ना, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सिमुलेशंस इंक्रीज कर रहे हैं, आ सैंपल स्टैटिस्टिक इज सेटलिंग डाउन, या अभी तक पूरा सेटल डाउन नहीं है, रेड लाइन के पूरा पास नहीं आया बट सेटल डाउन हो रहा है, स्टेबल हो रहा है ना, कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, और सिमुलेशंस बढ़ाओगे तो और क्लोज आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत बताओ इसमें, ऑल गुड, दिस एक्सरसाइज इज फाइन, या लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आ रहा है, 2.15 क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग ये खुद करने की ट्राई करोगे, ठीक है, कुछ नया नहीं है, टू वेरिएबल है बस, ठीक है, अभी तक वन वेरिएबल पढ़ा था, अब टू वेरिएबल है, अल्फा और गामा दोनों है, ठीक है, कोशिश करो खुद। पीपल ऑन द कॉल, आई एम अवे फ्रॉम द स्पीकर एंड माइक्रोफोन फॉर अ मिनट, आई विल कम बैक इन अ कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है, तब तक आप लोग भी ये ट्राई करो, कोशिश करो, एक्सरसाइज 2.15।
ट्राई किया आप लोगों ने? बताओ क्या बोल रहे हो? गामा सिंबल क्या होता है? गामा, गामा फंक्शन का नाम है गामा, ठीक है। चलो अल्फा लैम्डा की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। अल्फा इक्वल्स टू, लैम्डा इक्वल्स 1.5, ठीक है। चलो सबसे पहले वो दोनों स्टोर करना। एक्सरसाइज व्हाट? 2.15। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1.5। आप लोग मुझे पीडीएफ का वो बताओ। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। लैम्डा टू डी पार अल्फा इंटू एक्स टू डी पार अल्फा माइनस वन इंटू ई टू डी पार एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू एक्स। एक्स क्या वैल्यू है यहाँ पे? 3 पे निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स को 3 स्टोर कर देते हैं पहले, और फिर इसको भी एक्स कर देता हूँ, ठीक है। डिवाइडेड बाय या फिर गामा वन, डिवाइड बाय गामा अल्फा है क्या? डिवाइड बाय गामा अल्फा है ना? डिवाइड बाय गामा अल्फा, ठीक है। गामा फंक्शन है, गामा फंक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम है, डी गामा से सेम आ रहा है, क्या है? डी गामा करते हैं। हाँ, डी कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा एल उसी ऑर्डर में, ठीक है। एक्स कॉमा अल्फा कॉमा लैम्डा, ठीक है, देख लो। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट पार्ट पे क्या लिखा है? ड्रॉ लेबल ग्राफ ऑफ द पीडीएफ फॉर दिस गामा डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रेंज ऑफ एक्स 0 to 8, ठीक है। तो पहले एक्स का रेंज डिफाइन करेंगे, है ना? कैसे डिफाइन करते हैं एक्स का रेंज? अपने सीक्वेंस फंक्शन यूज करके, राइट। तो मैं एक्स वन चलो डिफाइन कर लेता हूँ, सीक्वेंस 0 to 8 कॉमा 0.01 या 0.1 कुछ भी ले लो आपको। मैं कोशिश करता हूँ कम से कम 100 नंबर हो, ठीक है। तो 0.1 करते तो 80 होते, तो मैंने 0.01 ले लिया, ठीक है। देन प्लॉट ऑफ एक्स वन कॉमा वॉट, वाई क्या होगा? डी गामा, राइट। डी गामा ऑफ एक्स वन कॉमा ए कॉमा एल, है ना। टाइप क्या होगा? अगर मैं केवल ये प्लॉट कर दूं तो देखो डॉट डॉट हो जाते हैं, तो अपने क्या टाइप टाइप लाइन करते हैं ना, ताकि लाइन ग्राफ आ जाए, है ना। सो टाइप इक्वल्स एल, ठीक है। और क्या कलर देने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, ठीक है। कुछ ओवर प्लॉट कर रहे हो क्या यहाँ पे? अच्छा कर रहे हो, पर ठीक है, ब्लैक रहेगा, ठीक है। एक्स लैब क्या है? एक्स ही है, ठीक है। और वाई लैब क्या है? पीडीएफ, राइट। एंड मेन इज वॉट? पीडीएफ ऑफ गामा अल्फा कॉमा एल लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ इस पे दो और ओवर प्लॉट करना है। देखो पार्ट थ्री में है ना, डिफरेंट अल्फा डिफरेंट लैमडा के, ठीक है। अल्फा सेम है दोनों का, देखो पार्ट थ्री पढ़ो, है ना। जब लैमडा अलग है तो मैं अल्फा की वैल्यू हार्ड कोड कर देता हूँ। अल्फा क्या है? 2, ठीक है। 2 कॉमा एल ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके देखिए, ठीक है ना। यहां तक पार्ट थ्री पे आते हो, ओवर प्लॉटिंग है, ठीक है। पार्ट थ्री में क्या? रेड डॉटेड लाइन, कौन सा फंक्शन यूज करोगे सबसे पहले ओवर प्लॉटिंग के लिए?
लाइंस, तो लाइंस ऑफ एक्स वन कॉमा अगेन व्हाट फंक्शन वाई के लिए, डी गामा है ना, वापस वही करना है ना, पीडीएफ ही प्लॉट करना है, तो डी गामा एक्स वन कॉमा ए कॉमा एल क्या है इस केस में, वन है ना, देखो क्वेश्चन देखो, लैम्डा इक्वल्स वन राइट, टाइप इक्वल्स एल करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट लाइन फंक्शन में टाइप लाइन ही होता है, ठीक है। एल टी वाई क्या होगा, डॉटेड में याद रखो डैश टू डॉटेड थ्री, ठीक है, अल्फाबेटिकल डी ए टू डी ओ थ्री, ठीक है, तो डॉटेड करना है तो एल टी वाई हो गया थ्री, ठीक है। और क्या, कलर इक्वल्स रेड देख लो, सिमिलरली आई जस्ट चेंज वॉट लैम्डा टू 0.5 राइट, एंड कलर टू वॉट ग्रीन, लाइन टाइप टू टू एंड दिस टू 0.5 देख लो। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन देखो, एड अ लेजेंड टू योर प्लॉट, आप बताओ आपने लेजेंड देखा था क्या कल, लेजेंड देख पाए थे क्या, नहीं देख पाए थे, ठीक है चलो आज लेजेंड शुरू से वापस देख लेंगे। तो याद करो अपने कॉपी पेन पे जब करते थे ग्राफ के बाद में लिखते थे ना, मल्टीपल लाइंस होते थे तो ये लाइन का मतलब ये होता है, ये लाइन का मतलब ये होता है, ये लाइन का मतलब ये होता है, तो वो लेजेंड फंक्शन करता है अपने लिए यहाँ पे, ठीक है। एक फंक्शन होता है लेजेंड जो अपने लिए लेजेंड बना देगा, ओके। लेजेंड फंक्शन बनाने के पहले याद रखो अपना प्लॉट विंडो ना थोड़ा बड़ा कर लो, ठीक है, उसके बाद अपने एग्जीक्यूट करेंगे। यहां तक हो गया ना, यहां तक कोई भी दिक्कत बताओ, ऑल गुड, चलो लेजेंड फंक्शन यूज करते हैं लेजेंड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या देना, बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना, क्या क्या इंफॉर्मेशन देना, आपके लाइन के तीनों के कलर्स क्या है, लाइन के तीनों के टाइप्स क्या है, हर लाइन के बाजू में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, है ना, ब्लैक लाइन के बाजू में लिखना होना चाहिए लैम्डा इक्वल्स समथिंग, फिर लैम्डा इक्वल्स समथिंग, फिर लैम्डा इक्वल्स समथिंग, है ना, तीनों का लाइन टाइप देना है, सो देयर नम देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू पास ऑन। कैसे करेंगे देखते हैं, पहले सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसका होगा कि वॉट इज द पोजिशन ऑफ योर लेजेंड इन द ग्राफ, ठीक है, वॉट कैन इट बी, टॉप राइट, टॉप, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, ये सारे नाम हो, ये सारे हो सकते हैं, अपने केस में कौन सा बेस्ट लग रहा है, टॉप राइट, लिखो टॉप राइट इन कोट्स, टॉप राइट, ठीक है। स्पेस नहीं देना, टॉप राइट, ठीक है, सही है। इसमें फिर एक और आर्ग्यूमेंट है कॉल्ड द टाइटल आर्ग्यूमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल क्यों देना है, लेजेंड का अपना टाइटल भी हो सकता है, ठीक है, हर लाइन के बाजू में कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, प्लस लेजेंड का खुद का भी एक टाइटल होगा, ठीक है, उसके लिए अपने यूज करते हैं क्या, टाइटल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या देने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस लेजेंड के थ्रू, बताओ, वैल्यू ऑफ लैम्डा है ना, तो मैं इसमें लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, क्लियर है। और क्या, अब अपने को सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है लेजेंड, लेजेंड फंक्शन के अंदर लेजेंड आर्गुमेंट, ठीक है, इसमें रहेंगे कि हर लाइन के बाजू में क्या लिखना है, ओके, पहले लाइन के बाजू में क्या लिखना है, ब्लैक वाले के लिए लैम्डा इक्वल्स व्हाट, जो इनिशियल था लैम्डा इक्वल्स 1.5 है ना, दूसरे वाले में क्या है लैम्डा इक्वल्स, तीसरे वाले में क्या है लैम्डा इक्वल्स 0.5, याद रखो वेक्टर बनाना है, वेक्टर के अंदर तीनों स्ट्रिंग्स देने हैं, ठीक है, फिर क्या, कलर, जिस ऑर्डर में लेजेंड के लेबल्स दिए हैं उसी ऑर्डर में अपने कलर्स भी देने हैं, ठीक है, तो क्या ऑर्डर है, पहले ब्लैक है ना, 1.5 में ब्लैक है ना लाइन, 1 में क्या है रेड है,
और 0.5 में ग्रीन है, राइट। लास्ट में क्या, लाइन टाइप LTY है। पहले वाले में क्या है, स्ट्रेट लाइन वन, दूसरे वाले में थ्री, तीसरे वाले में टू। देख लो, प्लॉट करके देखो हो रहा है ना, कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताओ। हो गया प्लॉट? किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। हर आर्गुमेंट के बाद कॉमा देना है, जहां पे ब्रैकेट ओपन किया ब्रैकेट क्लोज करना है। द गुड थिंग अबाउट आर इज व्हेन यू ओपन अ ब्रैकेट इट ऑलरेडी एड्स अ क्लोज ब्रैकेट टू इट, राइट। तो आपको स्पेसिफिकली क्लोज ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो क्रिएट दैट हैबिट, या एंड व्हाट एल्स, सेम थिंग विद द इन्वर्टेड कॉमास। व्हेन यू ओपन वन इट ऑलरेडी एड्स अ क्लोज कॉमा, राइट। दिक्कत आ रही है बताओ? हुआ नहीं है, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सबका हो गया? आपका हो गया? नहीं हुआ? क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, क्या एरर दे रहा है? अच्छा, करो करो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। पीपल ऑन द कॉल ऑल गुड, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सबका लेजेंड ड्रॉ हो रहा है, बताओ। आई डोंट सी कैबन टुडे ऑन द कॉल, स्पीटी वोकल, ओके। या विद टाइम ट्राई टू इंक्रीज योर टाइपिंग स्पीड, ठीक है। देयर इज अ स्पेसिफिक टाइपिंग स्पीड एसोसिएटेड विद आर एज वेल, टाइम के साथ कोशिश करो, वो आपका इंक्रीज हो रहा है ना, ठीक है। बिकॉज बिलीव मी इन एग्जाम्स दैट्स रियली हेल्पफुल, ठीक है। बट टाइपिंग स्पीड इंक्रीज करने के चक्कर में एक्यूरेसी मत खोना, यू हैव टू बी एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब गलत चीज नहीं करना है, हड़बड़ी में गलत चीज नहीं टाइप कर देनी है, ठीक है। कूल, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट फोर क्या है, ऐड अ लेजेंड। अच्छा, ये पार्ट फोर था, कूल। सो व्हाट इज पार्ट फाइव? पार्ट फाइव इज CDF ग्रेटर देन टू बिटवीन वन एंड थ्री, कर लो कैलकुलेट। कौन सा फंक्शन यूज करोगे? पी गामा ऑफ ग्रेटर देन टू, सो टू कॉमा ए कॉमा एल कॉमा लोअर टेल फॉल्स, ठीक है। फिर क्या है, बिटवीन वन एंड थ्री, व्हाट विल आई यूज? थ्री कॉमा ए कॉमा एल माइनस वन कॉमा ए कॉमा एल, या देख लो ये आ रहा आंसर आपके। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। ऑल गुड, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट देन। क्या कह रहा है, इंटरक्वार्टाइल रेंज, कौन सा फंक्शन यूज करोगे? कर लो क्यू गामा ऑफ पहले 0.75 कॉमा ए कॉमा एल, देन क्यू गामा ऑफ 0.25 कॉमा ए कॉमा एल, राइट। सेम पैटर्न सेम क्वेश्चंस, राइट। ठीक है ना, सबके आंसर्स आ रहे हैं 1.154237, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सिमुलेट 2000 एनुअल डैमेज अमाउंट्स यूजिंग अ सीड ऑफ 57, कौन सा फंक्शन यूज करोगे सेट डॉट सीड के अलावा? आर गामा है ना, सो सेट डॉट सीड ऑफ 57
एंड देन एस वन इक्वल्स आर गामा ऑफ 2000 कॉमा ए कॉमा एल, राइट। सम ऑफ एस वन कर लो, देख लो यही आ रहा है ना, 2654.693, ठीक है, ऑल गुड, सबके सिमुलेशंस आ गए, या लेबल्ड हिस्टोग्राम ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द 2000 सिमुलेटेड एनुअल क्लेम्स। क्या करोगे, हिस्ट में प्रॉब इक्वल्स ट्रू कर दोगे, सेम है, प्रॉब्स अलग है, प्रॉब या प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, प्रॉब्स करके कुछ नहीं होगा हिस्ट के अंदर, देखने तो रुको। अरे यार दिस स्क्रीन इज, एक मिनट रुको, प्रॉबिलिटी है ना, प्रॉब्स कहाँ है, मतलब है तो वो प्रॉब मत, प्रॉब्स यूज मत करना, यूज प्रॉब या प्रॉबिलिटी लिखना, ठीक है। तो क्योंकि अपने को डेंसिटीज कहा गया, आई विल यूज प्रॉब इक्वल्स ट्रू, ठीक है। एक्स लैब यहाँ पे क्या है मेरा, एनुअल डैमेज अमाउंट, या एनुअल डैमेज अमाउंट इन मिलियंस आएगा, राइट, इन मिलियन डॉलर है, इन डॉलर मिलियंस, राइट। वाई लैब तो वो ऑटोमेटिकली सही करता है, मेन क्या है, हिस्टोग्राम ऑफ 2000 सिमुलेशंस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, देख लो। क्या दिक्कत आ रहा है बताओ, नहीं ऑल गुड, या कूल, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पार्ट देन। अच्छा इसी पार्ट में एक पार्ट बी भी है, क्या लिखा है, सुपर इम्पोज ऑन द हिस्टोग्राम अ ग्राफ ऑफ द एक्चुअल पीडीएफ ऑफ द क्लेम अमाउंट्स, एक्चुअल पीडीएफ सुपर इम्पोज करना, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, लाइंस एंड डी डी गामा, है ना। सो लाइंस ऑफ एक्स का पहले रेंज डिफाइन कर देता हूँ मैं, तो व्हाट इज द सूटेबल रेंज ऑफ एक्स, यहाँ देखो 0 से 8 है ना, इफ यू लुक एट द हिस्टोग्राम यू कैन सी 0 से 8, या 0 से 8 कॉमा 0.01, या देन लाइंस ऑफ एक्स कॉमा डी गामा एक्स कॉमा ए कॉमा एल, या टाइप एल बाय डिफॉल्ट रहेगा, आई एम जस्ट गिविंग इट अ डिफरेंट कलर सो दैट इट्स डिस्टिंग्विशेबल एंड आई डोंट नीड टू गिव एनीथिंग एल्स। देखो अगर कमेंट करने को कहता तो कह सकते थे ना, इट्स ऑलमोस्ट ओवरलैपिंग ईच अदर, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है ना, द शेप इज ऑलमोस्ट द सेम। यहाँ पे जूम वाला जो है ना, इस पे जाके ऐसा कर सकते हो बस, ना 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 उतना, मतलब आप फिर एक्स लैब को चेंज कर दो, एक्स मैंने 0 से 8 किया उसको 4 to 6 और 0.001 कर दो और मैग्निफाई हो जाएगा, है ना। सही है, कोई भी दिक्कत बताओ, फिर क्या है, क्या एरर आ रहा है, कलर इक्वल्स ब्लू के बाद बंद किया, कुछ तो दिक्कत होगी, हाँ लाओ, मतलब कुछ ना कुछ मिस हुआ होगा, या तो ब्रैकेट या फिर कुछ ना कुछ पक्का मिस हुआ, या तो आप बैठ जाओ बाद में देख लेंगे क्लास में, इसमें पे कुछ डिपेंड नहीं करता है अभी, ठीक है। चलो और क्या, यूज द सिमुलेशंस फ्रॉम पार्ट 7 टू ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटीज फॉर पार्ट 5, तो ग्रेटर देन 2 एंड बिटवीन 1 एंड 3, ये थे ना दोनों अपने पार्ट 5 वाले, ये दोनों कैलकुलेट कर लो, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, है ना, लेंथ फंक्शन यूज करोगे और इंडेक्सिंग यूज करोगे, है ना, बताओ।
चलो कर लेते हैं, लेंथ ऑफ S1 वेयर S1 इज ग्रेटर देन 2, राइट। कंपेयर करने को कहा है, कंपेयर एंड कमेंट। अच्छा इसमें मैंने डिवाइड बाय लेंथ ऑफ S1 करना भूल गया, तो लेंथ ऑफ S1 0.205 और वहां पे आ रहा था 0.199, तो ऑलमोस्ट सेम है ना। ठीक है ना, पेस ज्यादा फास्ट है या ना बताओ, कोई दिक्कत? या सो वी आर ऑलमोस्ट सेम, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, बिटवीन 1 एंड 3, राइट। चलो इसमें एंड फंक्शन यूज करेंगे, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। ठीक है, और वहां पे क्या था, 2 2 2 2 2.4905, ऑलमोस्ट सेम अगेन, दे आर इन द सेम रीजन। ठीक है, 1 एंड 3, ओके, यहां तक सबका हो गया। पॉइंट 2.05 ही आना चाहिए। काम करो, ऊपर से जाके वापस सेट डॉट सीट से पूरा रन करो। सही आ गया, बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है, सिमुलेटेड और एक्चुअल स्टैंडर्ड डिविएशन और इंटर क्वार्टाइल रेंज कंपेयर करना है। ठीक है, कर लो। SD ऑफ S1 इज दिस, ठीक है अपना। अब ये बताओ गामा का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ बताओ। वो होता है वेरिएंस, अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर कर लो, या स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय लैम्डा कर लो। ठीक है, अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर वो होता है वेरिएंस। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा डिवाइड बाय लैम्डा करूंगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन है, होल स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सेम है, बट स्प्रेड ऑफ द सैंपल इज स्लाइटली लोअर एज कंपेयर टू डैट थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर बोला इंटर क्वार्टाइल रेंज, कौन सा फंक्शन, क्वांटाइल, क्वांटाइल ऑफ S1, 0.75 माइनस क्वांटाइल ऑफ डैट, 0.25। ठीक है ना, देख लो ये आ रहा है ना 1.89478, सेम चीज हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था क्यू एक्स यूज करके, क्यू गामा यूज करके, सॉरी 1.15। ये थोड़ा सा हायर है, इंटर क्वार्टाइल रेंज स्लाइटली हायर। ठीक है, कोई भी दिक्कत बताओ, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको, सब क्लियर है? वही चल रहा है DPQR, एक नया चीज आया अभी तक, प्रॉब इक्वल्स ट्रू हिस्टोग्राम में, और कुछ नहीं आया आज नया उसके अलावा, है ना। देखते हैं आगे, 2.16 कुछ है नहीं, 2.1789। चलो तीन एक्सरसाइज है, करने की कोशिश करेंगे अभी। 2.7 देखो क्या है, यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, अच्छे से ध्यान दो, एवरीवन पे अटेंशन। 2.71 क्या लिखा है, क्लेम अमाउंट्स कैपिटल एक्स अ मॉडल्ड यूजिंग अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन विद CDF गिवन बाय दिस। क्या लिखा है कि आपको CDF दे दिया गया किसी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का, क्या दिया गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर -3x u टू द पावर 0.5। ठीक है, आपको ये नहीं दिया गया इस बार कि कैपिटल एक्स क्या रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, केवल उसका CDF दिया गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये पार्ट ABC, एक बार भूल जाओ, रीड करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं अब स्मॉल एक्स या कैपिटल एक्स के 1000 सिमुलेशन जनरेट करो। ठीक है, अभी तक कौन सा फंक्शन यूज करते थे सिमुलेशन जनरेट करने के लिए, आर बाइनोम, आर बीटा, वॉट एवर, आर गामा, आर पॉइज, आर एक्स, बट पता रहता था एक्स फॉलोज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे आई डोंट नो द डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन ऑफ कैपिटल एक्स
ऑल आई नो इज इट सीडीएफ, ठीक है? तो इस सीडीएफ को यूज करके समहाउ आई विल गेट टू द एक्स की वैल्यू, नॉट द पीडीएफ, द एक्स की वैल्यू, देखेंगे अभी, ठीक है? समहाउ आई विल कैलकुलेट माई स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स के 1000 सिमुलेशंस यूजिंग द सीडीएफ, ठीक है? कैसे करेंगे ये समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको बहुत लोग मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस भी कहते हैं, ठीक है? तो अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए यूज मॉन्टे कार्लो सिमुलेशंस टू जनरेटेड, तो समझ जाना सीडीएफ को पहले यूज करना है और फिर जो भी मेथड समझेंगे ना उस मेथड को यूज करके एक्स की वैल्यूज को सिमुलेट करना है। ओके चलो इसका थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले ये बताओ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है? नो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स वापस सोचो, 0 to 1, सीडीएफ कभी भी 1 से ज्यादा होगा? नहीं होगा ना, टीडीएफ का रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में ही तो रहेगा, बताओ हाँ कि ना? क्योंकि सीडीएफ क्या है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज या इंटीग्रल ऑफ ऑन द रेंज ऑफ एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट? सारे रेंज मिला के वो 1 है, किसी किसी पे वो 1 से कम भी होता है ना, बट 0 से कम भी नहीं हो सकता, तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है? अब मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स की अगर वैल्यूज पता चल जाए तो क्या मैं एक्स निकाल सकता हूँ? एक बात बताओ, समझो मैं आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स के 10 वैल्यूज दे दूं तो आप स्मॉल एक्स निकाल पाओगे? जिमनास्टिक्स करोगे, एल्जेब्रिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करोगे, स्मॉल एक्स की वैल्यूज निकालोगे। चलो वो पहले इक्वेशन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है? कैपिटल एफ एक्स की चिंता बाद में करेंगे, पहले ये सोच लो अगर आपको कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पता है तो आप एक्स कैसे निकालोगे, ठीक है? लेट्स अज्यूम कैपिटल एफ ऑफ एक्स टू बी यू, ठीक है? तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स को मैंने म्यू यू कह दिया, सो यू इक्वल्स व्हाट, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ -3x टू दी पावर 0.5, है ना? फिर 1 माइनस यू इज इक्वल टू दिस एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, हाँ कि ना बताओ? बस रीअरेंज किया थोड़ा, अभी दोनों साइड लॉग ले लूं, एक्स निकालना है ना मुझे, मुझे यू पता है और एक्स निकालना है, तो मैं दोनों साइड लॉग लूंगा। अब क्या आएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस यू इज इक्वल टू -3x टू द पावर 0.5, यस और नो? नेक्स्ट क्या करोगे, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? स्क्वायर करने के पहले कुछ और करोगे? पहले -3 लेके जाओगे ना, फिर स्क्वायर करोगे, है ना? पहले डिवाइड बाय -3 करोगे, है ना? -3 इंटू एक्स टू डी पार 0.5 है अभी, तो पहले डिवाइड बाय -3 करोगे, तो क्या लिखोगे? ये पूरा मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे ये -3 हटा देता हूँ, तो ये यहाँ पे डिवाइड बाय -3 हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो एक्स इक्वल्स दिस का स्क्वायर, बताओ हाँ कि ना? यस। तो अगर u की वैल्यू अगर 1000 वैल्यू आ जाए तो आप x की 1000 वैल्यूज निकाल सकते हो, बताओ हाँ कि ना? अगर u की 1000 वैल्यू आ जाए तो x की 1000 वैल्यूज निकाल सकते हैं ना, हर वैल्यू u की डालेंगे और x की 1000 वैल्यूज आ जाएंगी, बताओ। अब u के बारे में अपने क्या जाते हैं, जानते हैं 0 से 1 के बीच में रहेगा, सी डी एफ है, यू इज एफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा ना, तो मैं क्या करूं, 1000 नंबर्स 0 से 1 के बीच रैंडमली निकाल लूं, तो मेरे पास यू या कैपिटल एफ ऑफ एक्स के 1000 वैल्यूज आ जाएंगे, बताओ ये समझ में आ रहा है हाँ कि ना, बताओ। हाँ हाँ बट मैं वो नहीं, मतलब दैट इज अगेन, मतलब मैं वो प्योरली रैंडम नहीं है ना, बट यहाँ पे मुझे रैंडम सिमुलेशन जनरेट करना है, तो कुछ तो रैंडम एलिमेंट होना चाहिए ना, अगर मैं वो कर लूंगा तो रैंडम एलिमेंट कुछ रहेगा क्या? नहीं, आई वॉन्ट टू हैव अ रैंडम एलिमेंट हेयर एज वेल, तो मैं कुछ रैंडम फंक्शन लाऊंगा जिससे मुझे 0 से 1 के बीच में 1000 वैल्यूज मिल जाए रैंडमली, ठीक है? मुझे यूनिफॉर्मली चाहिए, तो गेस करो क्या होगा फंक्शन का नाम, सोचो सोचो, आर यूनिफ, ठीक है? यूनिफॉर्म चाहिए ना 0 और 1 के बीच में, है
है ना? क्या नहीं समझ में, बताओ, रिपीट भी होगा, होगा, रैंडम है, 0 से 1 के बीच में 1000 नंबर रैंडमली जनरेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये बताओ, हो जाएंगे ना? तो आर यूनिफ यूज कर लेते हैं, ठीक है? देखो हेल्प में आओ, आर यूनिफ देखो, इट्स सिमिलर टू एवरीथिंग एल्स, आर गामा की तरह ही है। यूनिफॉर्म में क्या देते हो, मिनिमम और मैक्सिमम देते हो ना, क्या होता है, यू ए कॉमा बी होता है ना, तो आप ए कॉमा बी दोगे बस, ठीक है? और कितने सिमुलेशन जनरेट करने हैं वो दोगे, 1000, आपको 1000 यू की वैल्यूज मिलेगी अभी, या कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज मिलेगी, आप इस इक्वेशन में सजाओगे, आपको एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, समझ में आया? चलो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, बिकॉज दिस इज नन ऑफ माई कोड, राइट? और यू को पहले जनरेट करता हूँ यूजिंग आर यूनिफ ऑफ 1000, 0, 1, यस और नो? या 0, 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो बाय डिफॉल्ट मेन 0 या मैक्स 1 है, तो आर यूनिफ ऑफ, आर यूनिफ ऑफ 1000 भी लिख सकता हूँ, ठीक है? सीट दिया गया उन्होंने 47, बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है? पहले सेट डॉट सीट 47 कर लो, ओके? तो सेट डॉट सीट ऑफ 47 ये, और एक्स को अरेंज कर लो, लॉग ऑफ 1 माइनस यू डिवाइडेड बाय -3 और उसका स्क्वायर, बताओ हाँ कि ना? देख लो अच्छे से, फिर लास्ट में सम ऑफ एक्स करके देखो हमारी वैल्यू सेम आ रही है क्या। हाँ, ये कमेंट कर में डालना होगा, हाँ देख लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत? अच्छा, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन, बाय यूनिफॉर्म, ठीक है? अच्छा, आप ये मानते हो 0 से 1 के बीच में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नाउ व्हाट शुड बी द पैटर्न, ये दिक्कत है अपना तो, ठीक है? अच्छा, फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, बी इट गामा, बी इट एक्सपोनेंशियल, बी इट पॉइजन, बी इट बाइनोमियल, व्हाट ड्राइव्स द पैटर्न ऑफ द पीडीएफ, जो भी हम पीडीएफ प्लॉट करते थे, है ना? व्हाट ड्रोव द पैटर्न ऑफ दैट पीडीएफ, उस ग्राफ का पैटर्न क्या ड्राइव करता था, बताओ? हाँ, द ग्राफ का शेप क्या, क्यों वो ऐसा होता था, ऐसा बाद में आप ऐसा भी देखोगे, पहले छोटा है फिर बढ़ के फिर नीचे आ रहा है, क्यों, क्या ड्राइव करता है? इट ड्राइव, इट्स ड्रिवन बाय द पीडीएफ का फंक्शन, है ना? पीडीएफ का फंक्शन, और उस फंक्शन में जो पैरामीटर्स है उनकी वैल्यूज, उनकी वैल्यूज की वजह से वैसा शेप है ना? हाँ कि ना? जो एफ ऑफ एक्स है और द पीडीएफ डेंसिटी फंक्शन है, उस वो फंक्शन ऐसा है, अपने एक्स इक्वल्स ए बनाते हैं तो ऐसा लाइन बन जाता है ना, एक्स इक्वल्स ए करते हैं तो सॉरी वर्टिकल लाइन बन जाता है, वाई इक्वल्स बी करते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाता है, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी करते हैं तो ऐसा लाइन बन जाता है। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ माई वाई इक्वल्स एक्स वाला दैट ड्राइव द शेप ऑफ माई कर्व, यस और नो? ठीक है, एक बात बताओ, वॉट इज दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स? तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स दिस विल ड्राइव द इक्वेशन ऑफ माई कर्व? बताओ, अगर एक्स की वैल्यूज है तो ये सीडीएफ का पैटर्न या जो शेप है वो ड्राइव करेगा, ओके? तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इटसेल्फ, अगर मेरे को स्मॉल एक्स निकालना है, आई नीड नॉट वरी अबाउट द कैपिटल एफ ऑफ एक्स वैल्यू, बिकॉज वंस आई हैव कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू,
द इक्वेशन विल टेक केयर ऑफ जनरेटिंग दैट पैटर्न और जनरेटिंग दैट शेप. हाँ कि ना बताओ, नहीं समझ में आया? अच्छा ये हम क्लियर है कि जो फंक्शन है दैट टेक्स केयर ऑफ द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. क्यों डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस है? क्योंकि उनके शेप्स डिफरेंट है, उनके शेप्स डिफरेंट है, तो दे कैन बी पुट टू डिफरेंट एप्लीकेशंस. यस राइट. तो जो शेप है वो इक्वेशन टेक केयर करता है. द इक्वेशन टेक्स केयर ऑफ द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द वेट लुक्स, द वेट परफॉर्म्स. या तो अगर मैं एक वैल्यू दे दूं उसको, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दूं. पहले हम क्या करते थे, एक्स की कोई भी वैल्यू दे देते थे और शेप निकाल देते थे. अब हम अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स की कोई भी वैल्यू दे दे और एक्स निकाले, तो दैट एक्स विल बी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स की वैल्यू, जिसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन ये है. राइट. दिस इक्वेशन विल इटसेल्फ टेक केयर ऑफ द पैटर्न ऑफ स्मॉल एक्स गिवन आई हैव कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज. सो डू कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज मैटर गिवन आई हैव द शेप? नो. या इट्स जस्ट दैट दे शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1. बताओ हाँ कि ना. तो 0 एंड 1 के बीच में मैं रैंडमली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? नॉट एन अजम्पशन. यू टेक एज मेनी वैल्यूज लाइक द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैल्यूज, द 1000 वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 विच आर प्योरली रैंडम. बस अब प्योरली रैंडम मतलब यूनिफॉर्म हुआ ना. अगर प्योरली रैंडम है मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. यस और नो, समझ में आया? एवरीवन क्लियर? एनी क्वेश्चंस? तो हमने आर यूनिफ करके पहले कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज निकाली या सीडीएफ की वैल्यूज निकाली, और इसको यूज करके फिर स्मॉल एक्स की वैल्यूज निकाली. द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज बीइंग टेकन केयर बाय दिस इक्वेशन इटसेल्फ. ओके. इसकी ब्राइटनेस नहीं यार, इसमें ब्राइटनेस का तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, एंड आई एम न्यू टू दिस सिस्टम एज वेल, सो आई वोंट, कुछ है नहीं. आई डोंट थिंक सो. नहीं हो रहा है ना? चलो आई आई टेक केयर ऑफ इट द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. ठीक है. हाँ. हाँ. एन. अच्छा सो यू विल लर्न समथिंग ऑन सिमिलर लाइंस. ठीक है. मे बी संडे तक समथिंग कॉल्ड अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम. ठीक है. सो द डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ डज नॉट टर्न टेंड टू नॉर्मल. उसके सैम्पलिंग स्टेटिस्टिक्स करते हैं. ठीक है. नाउ डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट राइट नाउ, बट लेकिन आपका जो थिंकिंग है वो सही लाइंस पे है कि जैसे जैसे एन बढ़ाओगे इट विल टेंड टुवर्ड्स समथिंग, बट वॉट विल टेंड टुवर्ड्स वॉट, वो अपने सीखेंगे संडे की क्लास में. ठीक है. चलो पार्ट टू में क्या है, ड्रॉ द पीडीएफ ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस इन ब्लू ग्रीन एंड रेड ऑन द सेम एक्सिस. खुद कर सकते हैं क्या? बीटा भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. बीटा में दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक अल्फा एक बीटा. टेबल्स बुक है क्या? खोलो टेबल्स बुक, खोलो देखो उसमें लिखा हुआ है बीटा. देखो बीटा भी होगा उसमें. बीटा में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, अल्फा और बीटा, और एक्स का रेंज क्या दिया गया? देखो एक्स का रेंज क्या है, 0 to 1. सब देख पा रहे हो? थ्योरी में आपको नहीं मिलेगा, थ्योरी में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का कोई यूज नहीं है, बिकॉज देयर इज नो यूज पर्पस जिसके बेसिस पे उसका कोई सम्स आए. ठीक है. बट आपको कहाँ मिलेगा? अपने 13 पे ये वाला देखो. बीटा डिस्ट्रीब्यूशन दो पैरामीटर्स होते हैं, दोनों पॉजिटिव पैरामीटर्स, अल्फा बीटा. एक्स का रेंज क्या होता है? 0 to x to 1. एफ एक्स ही होता है. ठीक है. चलो अब अपने को क्या करना है, कौन सा फंक्शन होगा अगर अपने को इसका पीडीएफ प्लॉट करना है तो बताओ. गेस करो फंक्शन का नाम. डी बीटा. डी बीटा. ठीक है. अच्छा बिफोर गोइंग टू पार्ट टू, पार्ट वन देख लो. ये भी वही कह रहे थे पार्ट एबीसी में. पहले 1000 रैंडम नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, जो हमने किया यू में. फिर यूज द रैंडम नंबर्स टू ऑब्टेन 1000 सिमुलेटेड क्लेम्स, मतलब एक्स की वैल्यू निकालो यू को यूज करके. और फिर लास्ट में कहा था मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो वो भी निकाल लेते हैं. बेसिकली मीन ऑफ एक्स एंड एस डी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है ना. देख लो ये आ रहा है ना अपना मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसको तो दिखाने पड़ेंगे ना,
नहीं कुछ कहा है क्या? दिखाने होंगे कि ये ना ना नहीं दिखाना हो, लाइक वी डोंट हैव टू शो कि एक्स की वैल्यूज ये हैं, अनटिल अनलेस दे टेल यू इन द क्वेश्चन कि शो द वैल्यूज ऑफ एक्स, यू डोंट नीड टू. ओके कोई भी दिक्कत यहां तक बताओ. इसका यूनिट क्या है? जब फाइनल आंसर लिखोगे इट विल बी 0.229846 मिलियन डॉलर्स, है ना? क्वेश्चन में ना आई हैव टू क्लेम अमाउंट. अच्छा यहाँ पे नहीं है तो यूनिट्स लिख देना बस, ठीक है? क्लेम अमाउंट है बस, यूनिट्स, ठीक है? पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे मिलियन डॉलर था तो मिलियन डॉलर लिखना था एज अ कमेंट, मीन इक्वल्स दिस, ऐसा करके, ठीक है? अगर कोई यूनिट हो तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है? ड्रॉ द पीडीएफ. कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे पीडीएफ ड्रॉ करने के लिए? डी बीटा और प्लॉटिंग फंक्शन. क्या होगा? प्लॉट लाइंस, लाइंस एक बार प्लॉट, फिर दो बार लाइंस, है ना? एक बार बेस प्लॉट तो बनाना होगा प्लॉट करके. एक्स का रेंज क्या होगा? 0 से 1, है ना? सीक्वेंस बनाएंगे वापस, केवल 0:1 नहीं लिखेंगे क्योंकि कंटिन्यूअस है. 0,1.01, ठीक है? कर लो प्लॉट ऑफ, जल्दी जल्दी करना ये वाला, ये अपने को आता है, ये अपने बहुत बार किए हैं. ब्लू क्या हुआ? ब्लू ग्रीन रेड, ठीक है? एक्स कॉमा ए कॉमा बी क्या है? 0.5,2 है पहले बार में, 0.5,2, ठीक है? कॉमा कलर इक्वल्स ब्लू और टाइप इक्वल्स एल. लाइन ग्राफ करना है ना? अच्छा पहले वाले में एक्स लैब वाई लैब भी ऐड करने हैं, है ना? अल्फा पहले बीटा बाद में, हाँ. वाई लैब में पीडीएफ, राइट? एंड मेन में क्या है? पीडीएफ ऑफ बीटा ए कॉमा बी. इसमें दोनों वेरिएबल है, देखो तीनों पार्ट में दोनों चेंज हो रहे हैं, ए भी चेंज हो रहा है, बी भी चेंज हो रहा है, ठीक है? क्या यूज होगा दूसरा? लाइंस, लाइंस ऑफ एक्स कॉमा डी बीटा, एक्स कॉमा समथिंग समथिंग कॉमा कलर इक्वल समथिंग विच इज वॉट रेड, पहले ग्रीन फिर रेड, ठीक है? क्या जरूरी है यहाँ पे? हाँ ग्राफ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? व्हाट इज मिसिंग इन द ग्राफ? लेजेंड, क्या लोकेशन सही है लेजेंड के लिए? टॉप सेंटर में एकदम बीच में लाके दे देगा, टॉप टॉप राइट टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम और सेंटर, ये सब अपने पास है, ठीक है? तो टॉप सही है, लेजेंड ऑफ टॉप, टाइटल शुड बी व्हाट? वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ध्यान ध्यान से, थोड़ा स्लो करना है, स्लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विल वेट. एक एक्सरसाइज कम होगा चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए अपने को. अच्छा एल टी वाई यहाँ पे क्या होगा? लेजेंड में एल टी वाई का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? लाइन टाइप देते हैं ना लेजेंड में, तो क्या होगा? C1,1,1 कर सकते हो. अगर तीनों सेम है तो डायरेक्ट एल टी वाई इक्वल्स 1 भी लिख सकते हो, ठीक है? वो समझ जाएगा कि तीनों का 1 है, ठीक है? देखो
कहीं भी कोई भी एरर आ रहा है तो तुरंत बताओ, साथ में देखेंगे। आपका वो एरर सॉर्ट हुआ था क्या पहले? नहीं हुआ था ना, देखते हैं वो भी। देखो, आपको सीक्वेंस अगर चेंज करना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप अगर ए पॉइंट फाइव बी इक्वल्स टू सेकंड में दे दो, ए टू बी पॉइंट फाइव पहले दे दो, ठीक है, तो पहले रेड देना फिर बाद में ब्लू देना, ठीक है। दिस सीक्वेंस शुड नॉट बी सेम एज दिस सीक्वेंस, ठीक है, ऊपर वाला सीक्वेंस, पर ये आपस में आप सेम होने चाहिए, समझे। लेजेंड में अगर 0.52 दे रहे हो तो 0.52 वाले का कलर दो, 2.5 सेकंड दे रहे हो तो 2.5 का कलर दो, थर्ड अगर 0.5 0.5 दे रहे हो तो कलर तीसरा 0.5 0.5 का दो। यहाँ पे LTY सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, बट द सेम थिंग होल्ड्स। क्या तो द बेस्ट प्रैक्टिस या माई एडवाइस इज कि हमेशा ऊपर वाले से सेम रखो तो कन्फ्यूजन ही ना हो, ठीक है। ऊपर से देखते रहोगे ऊपर क्या है और नीचे वही पेस्ट करते जाओगे। सॉरी, ऑल गुड, सबका लेजेंड आ गया, बाकी है तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एरर आ गया तो बता दो, बस हो गया। ब्लू ग्रीन रेड, सही बोला, गलत दिए। तो ब्लू पहले, सेकंड ग्रीन होना चाहिए फिर रेड होना चाहिए, है ना, सही बोला। अब देखो यहाँ पे गलती हुई है तो शुरू से करना होगा, प्लॉट से करना होगा, ठीक है। अगर लेजेंड में गलती हुई तो प्लॉट से करना होगा क्योंकि लेजेंड ओवर प्लॉट होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ओवर प्लॉट कर दूंगा तो देखो क्या होगा, चल गया क्योंकि उस लाइन के ऊपर लाइन हो गया, बट अगर टेक्स्ट कुछ गलत होता तो ओवरलैप हो जाता, ठीक है। तो प्लॉट से करना एडवाइजेबल है वापस, ठीक है। सबका हो गया, कोई भी दिक्कत, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। टी डी एफ 0.2 लेस देन बीटा 2.2,0.5 लेस देन 0.8, कौन सा फंक्शन यूज करोगे? टी है ना, दो दो CDF का डिफरेंस लोगे ये आंसर आ जाएगा, कर लो। सो पी बीटा ऑफ 0.8, 2.05, 2.05 माइनस पी बीटा ऑफ 0.2, अगेन 2.05, देख लो ये आ रहा है। एंड देन यू हैव 0.5, 0.5 ग्रेटर देन 0.7, वापस पी बीटा यूज करेंगे। इस बार क्या करेंगे चेंज, ग्रेटर देन 0.7 में क्या करोगे, लोअर टेल फॉल्स कर देंगे, है ना। ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटीज में लोअर टेल फॉल्स कर देते हैं, है ना। तो 0.5, 0.5, लोअर टेल फॉल्स, क्या दिक्कत है, शेप टू मिसिंग। अच्छा, मैंने
जिस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नहीं दिए, किस पॉइंट पे निकालनी है, 0.7, ठीक है ना। ठीक है, लास्ट पार्ट देखो। फाइंड द प्रॉब वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू 0.65। क्या हुआ, कुछ दिक्कत, आंसर मैच नहीं कर रहा? सही है। वैल्यू ऑफ स्मॉल एक्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन स्मॉल एक्स इज इक्वल्स टू 0.65। एक्स हैज अ बीटा 0.5,2 डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? कौन सा फंक्शन? क्यू, है ना? लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी दी गई है, अपने को स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो क्यू बीटा यूज करेंगे। सो क्यू बीटा ऑफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 0.65 कॉमा 0.5,2, राइट, कॉमा लोअर टेल फॉल्स क्योंकि ग्रेटर देन है ना। कोई भी दिक्कत है बताओ। ऑल गुड, आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 2.18। काम करते हैं, पहले 2.19 कर लेते हैं, ठीक है? पहले अपने एक्सरसाइज 2.19 करेंगे, फिर 2.18 करेंगे। चलो 2.18 कर लेते हैं, इट्स रिलेटिवली सिंपल। 2.19, ठीक है, पार्ट वन। पार्ट वन क्या है? अच्छा, टी डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है क्या होता है? नहीं, अपने को पढ़ाया नहीं गया। हाँ पता नहीं है, जैसे बीटा था ना, ये भी पढ़ाया नहीं गया था, वैसे टी और एफ भी होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दी टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन? इट्स लाइक स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज, ठीक है, आगे अपने पढ़ेंगे। मेनी स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज, क्या क्वांटिटी अभी जानने की जरूरत नहीं है, बट दे फॉलो टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सम रेशियो, सम डिफरेंसेज, बाद में पढ़ेंगे हाउ दे फॉलो टी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने अभी सिंपल प्रोबेबिलिटी के सम्स के लिए देखा ना, कुछ बाइनोमियल फॉलो करता है, कुछ पॉइजन फॉलो करता है, वैसे कॉम्प्लेक्स स्टेटिस्टिकल क्वांटिटीज फॉलो टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी के लिए इतना जानना काफी है कि इनमें इनके पैरामीटर्स को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, ठीक है। अगर कहा कहा कि टी डिस्ट्रीब्यूशन विद दीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब वो जो कहा कि इतना डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो उसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स है, नॉट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, बस उसका एक पैरामीटर बोलने का तरीका है, ठीक है। जैसे एन, जैसे बाइनोमियल का एन और पी होता है, इसमें वो कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, वाई, हाँ वो बाद में आएगा, बट वाई दे आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो अपने बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है कि इनके पैरामीटर्स को कहते हैं हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और टी में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, ठीक है, मतलब एक ही पैरामीटर होता है, एक ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। एफ में दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, ओके, एक होते हैं और एफ में दो होते हैं, ओके। अब इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, क्यों है, क्या है, ये सब हम बाद में हम कवर करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है, ओके। ऑल गुड, एनी क्वेश्चन सो फार? कूल, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द पीडीएफ वैल्यू ऑफ द पीडीएफ व्हेन एक्स इक्वल्स 0.5 फॉर अ टी डिस्ट्रीब्यूशन विद 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद दीज मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अच्छा बताओ कौन सा फंक्शन यूज होगा पीडीएफ? टी टी डी एफ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हेल्प में अगर जाओगे देखो, डी टी है, ठीक है, द स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डी टी पी टी क्यू टी आर टी चारों है, देखो। हाँ, इसमें एक्स और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट, इन्होंने भी डी एफ यूज किया, विच इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डी एफ का मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। सिमिलरली क्या है, डी एफ भी एग्जिस्ट करता है, या इसमें डी एफ एफ ही था। अच्छा देखो, डी एफ डिस्ट्रीब्यूशन डी विद अ स्मॉल एफ, ठीक है, यहाँ पे वही, यहाँ पे पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2, सही है।
कोई भी दिक्कत बताओ, तो अपने क्या यूज करेंगे, डी टी यूज करेंगे, किस पॉइंट पे निकालना है, 0.5 विथ 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 0.5, 5 कर लेंगे, है ना, सही है। डी एफ का निकालना है 0.5, 2, 7 कर लेंगे, है ना, 2 एंड 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखे हैं वहां, जिस ऑर्डर में लिखा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यहाँ भी उसी ऑर्डर में लिखना है, 2, 7 और 7, 2 का दोनों का आंसर डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। किसका, एफ का, आ रहे आंसर्स बताओ, ठीक है। फिर क्या है, यूज प्लॉट एंड लाइंस टू ड्रॉ लेबल ग्राफ ऑफ द पीडीएफ ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर द रेंज -3.5 to 3.5। तो क्या आप फंक्शन यूज करोगे पहले एक्स करने के लिए, सीक्वेंस, ठीक है। तो पार्ट टू में एक्स इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ -3.5 to 3.5, सीक्वेंस ऑफ 0.01, 700 वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। फिर पहले वाले के लिए प्लॉट और दूसरे और तीसरे वाले के लिए, पहले वाले के लिए प्लॉट फंक्शन यूज करेंगे और दूसरे और तीसरे को ओवर प्लॉट करना है तो लाइंस फंक्शन यूज करेंगे, है ना। तो पहला वाला है T5, ठीक है, पीडीएफ, कौन सा फंक्शन, डी टी x,5, टाइप इक्वल्स एल, राइट, यस और नो, कुछ कलर कहा है क्या इन्होंने, कलर कहा नहीं है, अपने बना देते हैं, सो दैट वी आर एबल टू डिफरेंशिएट, ओके। हाँ इसका रेंज आई थिंक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, एक बार टेबल्स बुक खुला ही है ना, देख भी लेते हैं, इसमें टेबल्स बुक में भी लिखा हुआ ही होगा, टी 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 टी, इन्होंने टी के, टी का नहीं लिखा है यहाँ पे, सो टी का तो नहीं लिखा है, आई थिंक लिखा था, नहीं लिखा हुआ है, ओके नो वरीज, बट टी का भी वही होता है, ओके, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, ठीक है, ओके सही है। आगे बढ़े, अब क्या है, T5 dt, तो एक्स लैब वाई लैब कर रहे थे अपने, एक्स वाई लैब इज इक्वल टू पीडीएफ एंड मेन इज इक्वल्स टू व्हाट, पीडीएफ, ओके, मैंने मेन में टी एन नॉर्मल इसलिए लिखा है क्योंकि बी एन सी में T10 एंड नॉर्मल 0.1 रिस्पेक्टिवली के हैं, ओके, टी एन एन है, देखो पार्ट सी में नॉर्मल 0.1 है, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले में कौन सा फंक्शन यूज करोगे, लाइंस, है ना, टाइप एल देने की जरूरत नहीं है, एक्स लैब वाई लैब कुछ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके, कलर चेंज करते रहेंगे सो दैट वी नो व्हाट इज व्हाट, एंड x,10 हो जाएगा, ठीक है। ओके दोनों टी आ गए ना सबके, देख लो दूसरा भी कर लो, हाँ अच्छा, नॉर्मल का पीडीएफ के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, डी नॉम, है ना, कर लो लाइंस ऑफ x,dnorm ऑफ x, पहले मीन फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, अच्छा 0.1 में देखो वहां पे प्रीव्यू में दिख रहा है ना डिफॉल्ट्स येलो वाले रिबन पे, तो 0.1 ही है, तो देने की जरूरत है क्या, नहीं देने की जरूरत है, ऐसे ही छोड़ दूंगा, और मैं कलर इक्वल से ब्लैक कर देता हूँ, या कलर ब्लैक अपने आप ही होता है तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इट कन्वर्ट्स योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ लॉग स्केल, नो नॉट लॉग नॉर्मल, प्रोबेबिलिटीज को लॉग स्केल पे कर देता है वो, ठीक है। क्या दिक्कत है, तो ग्राफ कट रहा है, क्या करेंगे, रेंज बढ़ाएंगे, वाई एक्सिस का क्या फंक्शन आर्ग्यूमेंट होता था, वाई लिम, वाई लिमिट, वाई लिम, ठीक है, तो हाँ
नहीं ट्रू नहीं करते, खुद लिखते हैं कि वो क्या लिमिट है। यहाँ पे ट्रू करके उसको क्या समझ में आएगा, उसको थोड़ी पता अपने क्या नेक्स्ट कर रहे हैं, है ना। तो अपने खुद डिफाइन करेंगे नंबर्स के टर्म्स में कि जीरो से लेके यहाँ तक लेके जाओ। वायलिन इक्वल सी, 0 to 0.4 तक ऑलरेडी है, 0.45 तक ले जाते हैं, ठीक है काफी होगा, है ना। ओके ऑल गुड। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं क्या एरर आ रहा है, क्या लिखा है, वायलिन इक्वल्स कॉमा स्टार्टिंग कॉमा एंड, उसमें वेक्टर नहीं बनाना है अपने को, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट हैपेंस टू द पीडीएफ ऑफ अ टी एन डिस्ट्रीब्यूशन, कमेंट ऑन द शेप ऑफ द पीडीएफ ऑफ अ टी एन डिस्ट्रीब्यूशन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब जैसे जैसे एन मतलब ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे टी एन क्या हो रहा है। देखो नॉर्मल की तरफ जा रहा है ना, रेड 5 था ब्लू 10 था, राइट। यहाँ भी रेड 5 था ब्लू 10 था, पास आ रहा है ना। बताओ क्या कह रहे थे। नहीं ये मतलब और भी होता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, एक और एक्सरसाइज करते हैं, इसमें ऑलमोस्ट इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, कलर को चलो ग्रीन कर देते हैं, और पास आता है क्या देखते हैं। देखो अब तो 100 करते ही ऑलमोस्ट ब्लैक लाइन से ओवरलैप हो गया ना, है ना। विच प्रूव एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन टेंड्स टू नॉर्मल 0.1। ओके क्लियर है सबको, बताओ कमेंट लिख लो दैट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन टेंड्स टू नॉर्मल 0.1। सॉरी टी एन ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन को एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ बोल रहे, टी अंडरस्कोर मतलब नॉट अंडरस्कोर सबस्क्रिप्ट में एन, ठीक है। सो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एन टेंड्स टू नॉर्मल 0.1। स्विगल टैब के ऊपर वाले पे ठीक है, सबको क्लियर है ये, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन टेंस टू नॉर्मल 0.1। फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, टी 5 ग्रेटर देन दिस, -1 लेस देन टी 20 लेस देन 1, कर लोगे खुद पी टी पी एफ, नहीं करना है ना वापस। पार्ट 5 में कौन सा फंक्शन यूज करोगे, क्यू टी क्यू एफ, लेस देन प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.38, स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालनी है क्यू टी क्यू एफ, हाँ कि ना, ठीक है। फिर कहा गया सिमुलेट 500 वैल्यूज सेट डॉट सीड आर एफ, ठीक है, फिर 500.2.7 वो कर लोगे, तो फिर बस ऊपर ये निकालना है लेंथ फंक्शन करके ये निकाल लोगे, और इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज कर लोगे सिमुलेटेड के लिए, क्वांटाइल, सिमुलेशंस के लिए ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। खुद ट्राई करना ये वाला पार्ट, ठीक है, खुद कोशिश करना, नहीं करो मतलब हो, ये हो जाना चाहिए अपने आप, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ ऑल गुड, देन लुक एट, लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 2.18। चलो क्या है, वैल्यू ऑफ पीडीएफ व्हेन एक्स इक्वल्स 120 फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन इक्वल्स 100 एंड वेरियंस इक्वल्स 50, कौन सा फंक्शन यूज करोगे नॉर्मल का पीडीएफ निकालने के लिए, डी नॉर्म। पहला आर्ग्यूमेंट किस पॉइंट पे पीडीएफ निकालना है, एक्स कॉमा नॉट 100 म्यू म्यू कॉमा सिग्मा होगा, सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50,
देख लेते हैं एक बार हेल्प टेक्स्ट में, वेरीफाई भी कर लेते हैं ठीक है। तो डी नॉर्म में अगर आप लोग जाओगे देखो क्या लिखा हुआ है, मीन कॉमा एस डी, एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट वेरियंस ठीक है, कर लो। सो दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 2.18 पार्ट वन में डी नॉर्म ऑफ 120 कॉमा 100 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 50। या अच्छा आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में पढ़ा था क्या, पढ़ा था लॉग नॉर्मल, पढ़ा था लॉग नॉर्मल भी पढ़ा था, ये पढ़ा था कि इफ एक्स फॉलोज लॉग नॉर्मल देन लॉग ऑफ एक्स फॉलोज नॉर्मल, ये भी पढ़ा था ठीक। अच्छा अगर लॉग नॉर्मल है तो पैरामीटर्स म्यू होते हैं और सिग्मा स्क्वायर होता है, तो मीन क्या होता है, ई टू डी पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर, ये पढ़ा था बताओ। देखो और वेरियंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर माइनस, है ना, ये होता था मीन एंड वेरियंस ऑफ लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस राइट। अपने को यहाँ पे जैसे डी नॉर्म है वैसे डीएल नॉर्म भी है ठीक है। अब यहाँ पे मीन लॉग और एसडी लॉग लिखा हुआ है, मीन और एसडी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने को ई टू डी पावर म्यू प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर नहीं देना है, वो ई टू डी पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू डी पावर सिग्मा स्क्वायर माइनस वन नहीं देना है, क्या देना है, यही देना है म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू देनी है, म्यू और सिग्मा की वैल्यू देनी है ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दैट। सो डी एल नॉर्म ठीक है, जैसे डी नॉर्म है लॉग नॉर्मल के लिए डी एल नॉर्म है ठीक है, 120 कॉमा 4.5 कॉमा वॉट स्क्वायर रूट ऑफ 0.005 ठीक है। सही है, देखो कोई भी दिक्कत, ऑल गुड गाइस। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, 80 लेस देन नॉर्मल लेस देन 110, कौन सा फंक्शन, पी नॉर्म, पी नॉर्म करेंगे ना, नॉर्मल है ठीक है, तो पी नॉर्म ऑफ व्हाट टेल मी, 110 पहले कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 50 ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50 क्या हुआ, सिग्मा ही तो आता है नॉर्मल में, हाँ लास्ट में सिग्मा ही होता है। सिग्मा स्क्वायर होता है, इफ इट्स अगर कहते हैं कि एक्स फॉलोज नॉर्मल्स ए कॉमा बी, ए इज म्यू बी इज सिग्मा स्क्वायर ठीक है। ये नहीं आ रहा है, फॉन्ट वॉन्ट में कहीं है ना, मतलब नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आपके कट किए हुए होंगे, साइंटिफिक होगा, फंक्शन सही है ना एकदम, डी एल नॉर्म 120 कॉमा 4.5 स्क्वायर रूट 0.005, डी एल नॉर्म नहीं है ठीक है, कोई नहीं कर लो, वो भी हो गया ठीक है, वो एल नॉर्म नहीं था ठीक है। अच्छा अब दूसरा वाला क्या है, ग्रेटर देन 100 कौन सा फंक्शन, P of PL, PL norm. उसका आंसर इसका, अच्छा इसका ठीक है, फिर उसमें PL norm यूज करोगे, PL norm ऑफ 100 कॉमा 4.5 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 0.005 कॉमा क्या, लोअर टेल फॉल्स, ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, बताओ कोई भी दिक्कत यहां तक, 95th परसेंटाइल कौन सा फंक्शन यूज करोगे,
क्रिटिकल करना है तो क्वांटाइल यूज नहीं करोगे, तो क्यू नॉर्म और क्यू एल नॉर्म है ना, क्यू नॉर्म एंड क्यू एल नॉर्म। तो क्यू नॉर्म ऑफ व्हाट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होगा 95th परसेंटाइल के लिए, 95th परसेंटाइल है तो 0.95 कॉमा, यहां से मैं 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 50 कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली द सेम थिंग फॉर क्यू एल नॉर्म एज वेल, ठीक है। आंसर्स आ रहे हैं, अच्छा इसका पार्ट 4 to 6 कल करेंगे, ठीक है। बीटा और टी और एफ कल करके आना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना, इसका पार्ट 4 to 6 कल करेंगे। क्या देखना नहीं है, बस ये बोला था ना इसके लास्ट वाला पार्ट करना है, पार्ट 5 to पार्ट 6 and 7, वो वाला वो कर लेना, और ये 4 to 6 कल, कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है। ओके एक मिनट रुक जाओ, आपका एक चीज नहीं आ रहा था ना, एक सेकंड मैं आता हूँ। 5.01, 5.01, चलो ठीक है। People on the call, all good? Any questions? Any doubts? Tell me. No, sir. No? All good? Cool. In that case, we'll close the class for today. Yeah?